हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं उसे इतनी शानदार तरीके से करेंगे कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। पूरी वीडियो देखना बस। तो पहले सबसे पहले करते क्या हैं, ज़ीरो से लेकर 1-4 तक सब संख्याएं लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से 4 तक संख्याएं लिख लेंगे। उसके बाद सबको 4 से भाग कर देंगे, सबको 4 से भाग कर देंगे। सबसे पहले क्या करा, 0 से 4 तक अंक लिख लिए सब, फिर सबको 4 से भाग कर दी। अब जो कट रहा होगा उसे काट देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 4 एकम 4, जो बचा उसे लिख लेंगे अलग। 4 से जब 0 को भाग दी जाएगी तो कितना आएगा, 0। 1/4 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 1/2, ये भी ऐसे ही लिख देंगे। फिर क्या है, 3/4, ये 3/4 पहले 0 से 4 तक हमने संख्याएं लिख ली, 4 से भाग कर दिया। उसके बाद हमने जो कटा काट दिया, बचा बचा दिया। उसके बाद क्या है, 1/2 के बाद 3/4, फिर क्या है, 1। इसका ले लेंगे वर्गमूल। जब वर्गमूल लिया जाएगा तो जो वर्गमूल लेने के बाद, 0 का वर्गमूल 0, 1 का 1, बटे का निशान है बटा, 4 का वर्गमूल 2, 1 का 1, बटे का निशान है बटा, 2 का वर्गमूल हम जानते नहीं है तो इस पर अंडर रूट लगा दिया जाएगा। जिसका नहीं जानते हैं उस पर अंडर रूट लगा देते हैं। 3 का वर्गमूल हम नहीं जानते हैं, अंडर रूट 3 लगा देंगे, बटा 4 का 2, और 1 का 1। अब ये पूरी लाइन उठा के साइन वाले में लिख दिया जाएगा। बस पहले 0 से लेके 4 तक अंक लिख लिए, सबको 4 से भाग कर दी, फिर जो भाग करने के बाद आया उसका वर्गमूल ले लिया, वो पूरी लाइन 0, फिर 1/2, उसके बाद 1/√2, फिर कितना, 3/2, फिर कितना, 1। पहले वाले में लिख दिया साइन वाले में। अब कोस वाला कैसे निकालते हैं, बस इसे 90 वाला उठा के यहाँ लिख देंगे, 60 वाला उठा के यहाँ लिख देंगे, बीच वाला यहाँ, सिर्फ क्रम परिवर्तित कर देते हैं। सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पर आ जाएगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, और पहले वाला सबसे आखिर में पहुंच जाएगा। तो बहुत आसान तरीका, आखिर वाला पहले पे लिख दिया, सेकंड लास्ट इधर से सेकंड नंबर पर, बीच वाला बीच में, ये वाला 30 वाला 60 पर पहुंच गया, 0 वाला आखिर में 90 पे पहुंच गया। अब टेन कैसे निकालते हैं, टेन जो होता है वो साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस, यानी ये मानिए मन में ये बटे का निशान है, 0/1, तो 1 से जब 0 को भाग दी जाएगी तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर ये बटे का निशान मानिए 2 से 2 कट गया, मन में कट गया 2 से 2, ऊपर 1 बचा, नीचे √3 बचा, यानी 1/√3, √2 से √2 कट गया, मन में कटा है, काट के नहीं दिखाएंगे इसमें क्योंकि ये सारणी में मान लिख रहा है, √2 से √2 कट गया, ऊपर 1 बचा, नीचे 1 बचा, नीचे 1 कभी भी लिखते नहीं है, बचा कितना, 1, 2 से 2 कट गया, ऊपर कितना बचा, √3, नीचे कितना बचेगा, 1, नीचे 1 लिखते नहीं है, खाली √3, 1/0, जब 0 को भाग दी जाती है, 0 को तो 0 आता है, लेकिन 0 से भाग दी जाती है तो अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित। अब हमने 10 निकाल लिया, फिर कोट कैसे निकालेंगे, वो वाला यहाँ ले आएंगे, आखिर वाला दूसरे नंबर वाला इधर दूसरे पे, इस तरह से जैसे ऊपर वाले में करा है, इन्फिनिटी को यहाँ लिया है, √3 यहाँ पर लिख दिया, बीच वाला बीच में लिख दिया, ये वाला इधर को पहुँच जाएगा, और सबसे पहला वाला सबसे आखिर में पहुँच जाएगा ये वाला। अब आते हैं सेक पे, सेक क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, यानी जो हमारे कोस के मान है उसका उल्टा कर देंगे बस। तो कोस एक, एक का उल्टा, एक का उल्टा एक ही होगा, तो सेक एक लिख दिया, इसका उल्टा बस ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी 2/√3, इसका √2 ऊपर पहुंच जाएगा, एक नीचे, एक नीचे लिखते नहीं है तो खाली √2, ऐसे ही है, 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, उल्टा कर देते हैं बस, और 1 नीचे लिखते नहीं है, खाली 2। अब ये 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, जब 1/0 करेंगे 0 से भाग हो जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये। फिर हमने 1 निकाल लिया, अब इधर को ले आएंगे, √∞, आखिर वाला यहाँ लिख दिया, सेकंड लास्ट वाला यहाँ, बीच वाला बीच में, और 2/√3 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और 1 इधर को ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने ये त्रिकोणमिति के मानों की सीरीज़ बना ली। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।